हेलो गेट एक्सपीरियंस सो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम कैसे फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं सेंटेक्स एनालिसिस के अंदर सो so, सबसे पहले हम देखेंगे कि फ़र्स्ट कैसे फाइंड करते हैं तो फर्स्ट को फाइंड करने के लिए कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पर लिखी है पहले चीज़ जो अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से आपको पता हो जाएगा पहली चीज़ है आपका वेरिएबल और नॉन टर्मिनल जो कि अपर केस लेटर होते हैं जस्ट लाइक दिस ए बी सी या एक्स वाई कैपिटल लेटर में जो भी होते हैं वो आपके वेरिएबल और टर्मिनल कहलाते हैं सेकेंड चीज़ होता है आपका टर्मिनल जो कि लोअर केस लेटर होते हैं जैसे ए बी सी या जीरो वन अब कैसे हम फर्स्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं एंड यहाँ पे मैंने रूल को लिखा हुआ है तीन रूल हैं आपके तो ये सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएगी जब हम एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करेंगे बट यहाँ पे बस एक बार इसे देख लेते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ क्या है तो फर्स्ट पॉइंट है कि फर्स्ट ऑफ़ ए यहाँ पे इस ए की बात हो रही है सो फर्स्ट ऑफ़ ए कंटेन ऑल टर्मिनल प्रेजेंट इन फर्स्ट प्लेस ऑफ एवरी स्ट्रिंग डेराइव बाय ए इसका क्या मतलब है कि जो फर्स्ट ऑफ ए है ए का फर्स्ट ए से आपका ए और कैपिटल बी डेराइव हो रहा है ठीक है तो ए का फर्स्ट क्या होगा सो फर्स्ट ऑफ़ ए क्या होगा फर्स्ट ऑफ ए मतलब जो फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे लिखा है ए डेराइव ए और कैपिटल भी तो ये फर्स्ट प्लेस पे जो भी आपका डेराइव हो रहा है वो अगर टर्मिनल है टर्मिनल यानी मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया है स्मॉल लेटर्स में जो है तो स्मॉल लेटर्स में यानी या, यहाँ पर जो फर्स्ट प्लेस पे वो आपका टर्मिनल है तो फर्स्ट ऑफ़ ए क्या है आपका टर्मिनल है तो फर्स्ट ऑफ़ ए क्या होगा आपका ए होगा इसका मतलब ये है कि ए टेंस टू ए कैपिटल बी तो फर्स्ट प्लेस पे आपका टर्मिनल है तो फर्स्ट ऑफ ए क्या होगा आपका सिंपली ए अगर ये चीज़ आपको इस तरह से दी होती बी एंड ए तो फर्स्ट ऑफ़ ए क्या होगा फर्स्ट का मतलब पहला राइट right? तो ए जो भी डराइव कर रहा है उसका पहला पहला क्या है यहाँ पे पहला जो भी वैल्यू है वो क्या है तो अब यहाँ पे बी है कैपिटल बी यानी ये नॉन नॉन टर्मिनल है ठीक है ये आपका नॉन टर्मिनल है तो नॉन टर्मिनल अगर दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ए क्या होगा फर्स्ट ऑफ ए होगा आपका क्या फर्स्ट ऑफ बी ठीक है और बी क्या है यहाँ पे तो अब जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा वहां पे बी से कुछ ना कुछ आपको वो डराइव करके दिया होगा ठीक है और वहां पे यहाँ पे नॉन टर्मिनल होगा ए के फर्स्ट में तब B का फर्स्ट यहाँ पे सपोज सपोज इस तरह से दिया हुआ है तो यहाँ पे A और C दोनों ही अगर नॉन टर्मिनल हैं तो B का फर्स्ट क्या है यहाँ पे A तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ A क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑफ B एंड फर्स्ट ऑफ़ B यहाँ पे क्या है A तो यहाँ से इस तरीके से आपका डिफाइन हो जाएगा ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस के थ्रू आएगी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक है फिर सेकेंड क्या है फर्स्ट ऑफ टर्मिनल देखिए क्या होता है टर्मिनल तो फर्स्ट ऑफ टर्मिनल यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ टर्मिनल क्या होता है टर्मिनल तो फर्स्ट ऑफ ए यहाँ पे क्या डराइव कर रहा है टर्मिनल को तो फर्स्ट ऑफ टर्मिनल यहाँ ये आपका टर्मिनल है राइट right? तो फर्स्ट ऑफ टर्मिनल क्या है आपका सिंपली टर्मिनल यानी कि ए ठीक है फिर थर्ड पॉइंट क्या है आपका कि फर्स्ट ऑफ ये आपका है एफ साइलेंट ठीक है ये आपका एफ साइलेंट है तो फर्स्ट ऑफ एफ क्या होता है सिंपली एफसाइलेंट एफसाइलेंट का मतलब होता है नथिंग यानी इम्पटी ठीक है कोई भी वैल्यू नहीं ठीक है तो फर्स्ट ऑफ़ एफसाइलेंट क्या होता है अफसाइलेंट ठीक है फिर यहाँ पे देखिए रूल नंबर वन हो गया रूल नंबर सेकेंड क्या है कि ए टेंस टू बी अल्फ़ा अल्फा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपका ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है ठीक है सो बी अल्फा जहाँ पे बी आपका क्या डेराइव कर रहा है एफ साइलेंट बी टेंस टू एफ साइलेंट तो B टेंस टू अफसाइलन तो फर्स्ट ऑफ़ A जब आप निकालोगे तो क्या होगा अब यहाँ पे जो पहला जो पहली वैल्यू है वो क्या है आपकी एक नॉन टर्मिनल है तो फर्स्ट ऑफ है क्या होगा फर्स्ट ऑफ B माइनस ये आपका टर्मिनल हाँ, लेगा वो अफसाइलन हैगा ठीक है वो ई नहीं है आपका ठीक है फर्स्ट ऑफ बी माइनस ऑफ साइलेंट क्योंकि बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ऑफ को देन यूनियन किससे लेना है आपको फर्स्ट ऑफ फिर अल्फा से इसको आप इस तरीके से समझिए एकदम सिंपल वे में कि ए टेंस टू बी अल्फा है ठीक है सो so, अब बी यहाँ पे किसको यानी बी आपका क्या डराइव कर रहा है अल्फा ठीक है ये दो चीजें हैं ठीक है बी आपको अल्फा डराइव कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑफ बी और यानी फर्स्ट ऑफ बी बट फर्स्ट ऑफ बी बी जो है वो क्या ड्राइव कर रहे हैं नथिंग तो इसको आप इस तरीके से बी की जगह पे आप सालन लिख दीजिए ठीक है तो यानी अब हो गया यानी आप नथिंग है तो इसका मतलब क्या है कि ए टेंस टू ऑफ सिंपली अल्फा है अब यहां पे अल्फा की कोई भी वैल्यू हो सकती है तो फर्स्ट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका सिंपली फर्स्ट ऑफ भी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपली क्या अल्फा ठीक है तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है थर्ड क्या है ए टेंस टू बी अल्फ़ा अगेन बे अल्फा आपका कुछ भी हो सकता है अब बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि बी आपका साइलेंट नहीं है तो बी आपका साइलेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ए क्या हो जाएगा सिंपली आपका फर्स्ट ऑफ बी जो यहाँ पे आपकी वैल्यू दी हुई है तो आई होप गाइस यहाँ से आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से आपको फर्स्ट कैलकुलेट करना है तो जल्दी से एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ताकि हम है अच्छे से समझ में आ जाए कि फर्स्ट ऑफ़ uh, कि हम कैसे फर्स्ट को फाइंड करते हैं ठीक है फाइन फर्स्ट सो यहां पे हमने एक एग्जाम्पल है देखिए ये एस जो है आपका वो क्या है आपका स्टार्ट सिंबल है ठीक है सो एस क्या डिराइव कर रहा है बी कैपिटल बी यानी कि ये आपका क्या है ये है आपका नॉन टर्मिनल जैसे कि मैंने आपको बताया और ये जो स्मॉल में है ये है कि आपका टर्मिनल ठीक है तो रूल क्या कहता है कि अब हमें एस टेंस टू बी बी सी ये स्मॉल सी है ठीक है एंड डी तो अब फर्स्ट ऑफ एस क्या होगा जो यहां पे फर्स्ट प्लेस पे क्या है फर्स्ट ऑफ एस के फर्स्ट प्लेस पे क्या है बी तो यानी फर्स्ट ऑफ बी और फर्स्ट ऑफ बी यहां पे क्या है तो यहां पे हम पहले फर्स्ट ऑफ बी को कैलकुलेट करना पड़ेगा तो एस फर्स्ट ऑफ एस क्या डिराइव कर रहा है आपका फर्स्ट ऑफ बी और फर्स्ट ऑफ बी क्या है आपका तो फर्स्ट ऑफ बी यहाँ से निकालिए अब देखिए ये बी तो यहाँ पे अगर नॉन टर्मिनल है तो नॉन टर्मिनल की यहाँ पे वैल्यू आपको हमेशा ही दी होगी तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ बी क्या डराइव कर रहा है आपका ए जो कि आपका क्या है टर्मिनल तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए फर्स्ट ऑफ टर्मिनल क्या डराइव करता है आपको ऑलवेज टर्मिनल मतलब यहाँ पे जो टर्मिनल की वैल्यू है सिंपली टर्मिनल की जो वैल्यू वही आपको रिफ्लेक्ट कर देगा तो आपको इस तरह से लिखना है ए सिंपली आप इस तरीके से ए लिख दो फिर बी आपका क्या डराइव कर रहा है बी एक ये भी तो प्रोडक्शन डराइव कर रहा है है ना तो सेकंड प्रोडक्शन क्या है बी का अफसाइलेंट तो सिंपली आप यहाँ पे एफसाइलन लिख दो तो फर्स्ट ऑफ बी आपका क्या डराइव कर रहा है ए और एफसाइलेंट तो फर्स्ट ऑफ बी क्या डराइव कर रहा है ए और एफसाइलेंट तो यहाँ पे आप सिंपली लिख दो कि फर्स्ट ऑफ एस क्या है फर्स्ट ऑफ बी फर्स्ट ऑफ बी क्या है आपका ए है ए और अफसाइलेंट अब अफसाइलेंट भी ये जनरेट कर रहा है बी फर्स्ट ऑफ बी आपका तो जहां भी आपका अब यहाँ पे एस टेंस टू बी ये जो बी है आपका जो नॉन टर्मिनल है आपका इसकी जगह पे आप सिंपली अफसाइलेंट लिख दो ठीक है सिंपली आपको क्या लिखना है अफसाइलेंट अफसाइलेंट का मतलब अब बी आपका खत्म हो चुका है ठीक है तो अब आपको बी से लेन, लेना देना नहीं है अब एस पे, एस पहले बी को कर रहा था लेकिन बी के, बी को बी आपका साइलेंट डराइव कर रहा है यानी नथिंग यानी यानी खाली तो बी को हमने अब साइलेंट से रिप्लेस कर दिया तो अब एस के लिए उसका फर्स्ट क्या हो गया बी अब ये कुछ इस तरीके से हो गया है बी और सी डी ठीक है बी मतलब साइलेंट यानी बी को अब साइलेंट से रिप्लेस किया यानी बी की वैल्यू क्या है कुछ नथिंग है तो बी अब खत्म हो चुका है आपका स्मॉल बी बचा तो अब बी के लिए फर्स्ट क्या है उसका देस वन स्मॉल बे तो आप सिंपली स्मॉल बे यहाँ पे लिख दो ठीक है फिर अब यहाँ पे सेकंड प्रोडक्शन भी है यहाँ पे शायद क्वेश्चन गलत हो गया C है ये कैपिटल सी है ठीक है ये कैपिटल सी इसलिए यहाँ पे इसकी सी की वैल्यू दी हुई है ठीक है तो ये क्या है अब आपका सेकंड प्रोडक्शन ये फर्स्ट प्रोडक्शन है ये सेकेंड प्रोडक्शन तो सेकेंड प्रोडक्शन में इसके डिराइव कर रहा है कैपिटल सी तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ सी ठीक है सो फर्स्ट ऑफ सी अब क्या है आपका यहाँ पे फर्स्ट सी किसको डराइव कर रहा है तो फर्स्ट ऑफ सी क्या है फर्स्ट ऑफ स्मॉल सी यानी स्मॉल सी ठीक है तो स्मॉल सी है तो आपको कुछ भी नहीं करना है अटर्नल टर्मिनल सीधे लिख देना है अब सी क्या कर रहा है अब साइलेंट को भी ये क्या कर रहा है ट्रोड्यूस कर रहा है यानी डराइव कर रहा है तो ये किसको ड्राइव कर रहा है ये आपका अब साइलेंट को भी डराइव कर रहा है ठीक है तो अब जहाँ पे सी है सी अब फर्स्ट ऑफ सी तो एस आपका कैपिटल सी को भी ड्राइव कर रहा है ठीक है तो कैपिटल सी क्या है आपका ड्राइव कर रहा है सी स्मॉल सी और एफ साइलेंट एफ साइलेंट को ये ड्राइव कर रहा है यानी यहाँ पे आपको सी की जगह अगेन क्या लिखना पड़ेगा एफ साइलेंट यहाँ से देखिए सी की जगह सिंपली आप क्या लिख दो साइलेंट यानी सी अब आपका ख़त्म हो गया है अब एस किसको आपका ड्राइव करने लगा डी को यानी एस का फर्स्ट अब क्या हो गया है आपका डी तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे सिंपली डी तो ये आपका क्या निकल गया फर्स्ट ऑफ एस ठीक है तो इस तरीके से गाइस आपको निकालना है आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से आप फर्स्ट को कैलकुलेट कर रहे हो तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में गाइस आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं कोई भी क्वेरी हो तो नीचे मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो